चैनल सिजलिंग स्पाइसेस विद अपर्णा। तो आज की हमारी रेसिपी है हैदराबाद की सबसे फेमस डिश हैदराबादी चिकन ग्रेवी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे आप किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। मैं आज इसे सर्व करूंगी सॉफ्ट सॉफ्ट नान के साथ। तो नान की रेसिपी मैंने पहले ही दे दी है, आप जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। तो मैंने चिकन यहाँ हाफ किलो लिया है। ये है अनियंस, तो मैंने 3 से 4 अनियन को चॉप कर लिया है। कर्ड, दही, ये कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने स्लाइसेस कर लिया है। अदरक लहसुन हमें बहुत चाहिए। मैंने 2 बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ और 1 बड़े अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये लिया है कोरिएंडर लीफ जिसको मैंने रफली चॉप किया है। ये है मिंट लीफ जिसे मैंने रफली चॉप किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियंस को हम फ्राई कर लेंगे। आइए इन्हें फ्राई करते हैं। देखिए हमारे ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें हम अनियन को इस तरीके से और इसे अच्छे से रेड होने तक हम इसका पिलिस्ता बनाकर इसे निकाल लेंगे। तो पिलिस्ता हम बिरयानी में डालते हैं, बस आपको बिरयानी का पिलिस्ता ही इसको बनाना है और इसे पिलिस्ता बनाकर निकाल लेना है। चिकन के बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, उसमें से हैदराबादी चिकन ग्रेवी सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये नान के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैं इसे आपको नान के साथ सर्व करके ही दिखाऊंगी। मैंने नान की रेसिपी पहले छोड़ी हुई है गार्लिक नान की, आप वो रेसिपी जाके फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज में। तो इसे पूरा हम ब्राउन होने तक इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है, थोड़ा गोल्डन होने लगा है। तो जब तक हमारा पिलिस्ता बनता है, आइए हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं यहाँ 1.5 चम्मच डालूंगी। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला। इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ, कर्ड। कर्ड मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाला है। इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स। एट लास्ट इसमें हम ऐड करेंगे अपने सॉल्ट। सबको अच्छे से हम मैरिनेट कर देंगे। तो हमारा पिलिस्ता बनके बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए ये पिलिस्ता को हमें सबसे लास्ट में यूज़ करना है, तो इसे हम एक साइड में रख देंगे। इसे अब हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, तो इसे हमें आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए ऐसे ही कवर करके रख देना है।
देखिए जिस तेल में हम पिस्ता बनाएंगे हम उसी तेल में ही इसे चिकन द्वारा भून लेंगे। इस तरीके से हमें सबको डाल देना है ऑयल में। क्या है यही पैन इसे इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। इसमें हम डालेंगे कटे हुए ग्रीन चिलीज। अच्छे से चला लें इसे। इस चिकन में हमने टमाटर का यूज बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि इसमें हमने कर्ड का यूज किया है ज्यादा। आप इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहिए। तो ये देखिए हमारी चिकन से ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। ये पे हम क्या करेंगे जिसमें अपने बैटर रखे थे चिकन का उसी का पानी से मैं इसे वॉश करके इस पानी में डाल दूंगी और इसे अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर क्योंकि रेड चिली पाउडर इसमें ज्यादा लगता है तो इसमें हम रेड चिली पाउडर और 2 चम्मच ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो। चला लें इसे अच्छे से। इसे आपको लिड से कवर नहीं करना है, इसे ऐसे ही कुक करते रहना है। तो ये देखिए इसे चलाते चलाते ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सारा पिस्ता मतलब फ्राइड ऑनियंस। अच्छे से चला लें इसे। इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही आप कुक कर लें, उसके बाद इसमें हम लगा देंगे लीड और इसे कर लेंगे अच्छे से कुक। तो ये देखिए हमारी चिकन अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। मैंने यहाँ टमाटर सॉस यूज़ किया है, आप चाहें तो टमाटर प्यूरी यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर सॉस आप डालिए इसमें, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। मैं आपको मेरे चिकन का टेक्सचर दिखाती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए।
इसे हम और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी हैदराबादी चिकन ग्रेवी, दिख रही है ना बढ़िया। आप भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।